पिनाहट में आरक्षण की मांग को लेकर निषादों ने भरी हुंकार। अधिकार पदयात्रा पिनाहट सोमवार को आरक्षण की मांग को लेकर निषाद कश्यप समुदाय सड़कों पर उतर आया। सड़कों पर उतरकर निषाद कश्यप समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग करते हुए हुंकार भरी। निषादों का आरोप है कि सभी राजनीतिक दल व राजनीतिक पार्टियां आरक्षण देने का वादा कर निषाद कश्यप समाज का वोट लेती हैं और सरकार बनने के बाद निषादों से वादा किया भूल जाती है, जिससे निषाद समुदाय में काफी आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित निषाद समाज ने प्रदेश व केंद्र सरकार से अविलंब निषाद समाज का अनुसूचित जाति का आरक्षण जारी करने की मांग की है। विरोध में निषाद कश्यप समुदाय के लोगों ने पैदल यात्रा कर आरक्षण की मांग की है। देखिए आगरा से विद्या राम की रिपोर्ट। आपके द्वारा ये पदयात्रा प्रारंभ की है मथुरा से, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो कितने दिनों तक चलेगी और कहाँ कहाँ तक जाएगी? देखिए हम उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में जाने वाले हैं। ये सर्वदलीय निषाद कश्यप यूनियन की पदयात्रा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है निषाद कश्यप समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाना, जो कि केंद्र और राज्य की मिली भगत से हमारा जो आरक्षण अटका हुआ है, उस आरक्षण के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में एक एक जिले में जाकर हम अपने इस आरक्षण की मांग को बुलंद करने वाले हैं। पनाट में रात्रि विश्राम कल कहां के लिए प्रस्थान होगा? देखिए आज यहां आगरा में पनाट में रात्रि विश्राम है, इसके बाद कल फिरोजाबाद, परसों इटावा, फिर उसके बाद औरैया, कानपुर देहात, जालौन, इस तरह से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है।